जब मन तोड़ तोड़ जाए नाम गुरु से इतना बढ़ाए। विष्णु बदले नरक में है जाए, विष्णु बदले नरक में है जाए, नरकों में दुखड़े सहता है छलिया रे, मन छलिया रे। मन दुश्मन को समझो ना मीत जी, मन को जो दीते तो जग लिया जीत जी। मन दुश्मन को समझो ना मीत जी, मन को जो दीते तो जग लिया जीत जी। कहीं शाह मस्ताना जी कब फिर आए, कहीं शाह सतनाम जी कब फिर आए, नाम धुन सुन लेता है छलिया रे, मन छलिया रे, मन छलिया रे, मन छलिया रे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसर। जी बंदा एक नाम तो बिना जानदा जगत चो खाली, जी बंदा एक नाम तो बिना जानदा जगत चो खाली, जी बंदा एक नाम तो बिना जानदा जगत चो खाली। दुर्लभ जन्म है मिलिया जैसा, और जन्म नहीं मिलना ऐसा, मिलिया रत्न अनमोल है कैसा, नाम जप कीमत पाली, जी बंदा एक नाम तो बिना जाना जग के क्यों हो रहा, कीमती है पूंजी जीनू एवें खो रहा, नींद गफलत दी विच है सो रहा, स्वासा रूपी पूंजी, स्वासा पूंजी जुए विच काली, जी बंदा एक नाम तो बिना जी है तैनू क्यों नहीं आंदी, समझ है तैनू क्यों नहीं आंदी, आया हुक्म ते पा जावे चाली, जी बंदा एक नाम तो बिना जांदा जगत चों खाली।
शासत नाम जी दी जे मन जावे कल करना जो कम आज कर जावे बार बार तू ना पुछतावे जावे ना जगत चो काल जी बंदा एक जी बंदा एक नाम तो बिना जांदा जगत चो खाली जी बंदा एक नाम तो बिना जांदा जगत चो खाली धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिके सजन वाजी प्यारी सत्संग जीओ इंसान इस संसार में दुखी है तो अपने कर्मों की वजह से किसी और वजह से परेशान इंसान नहीं होता। खुद के पाप कर्म खुद की बुराइयां जब बढ़ती जाती हैं तो इंसान के दुख परेशानियों में बढ़ोतरी होती चली जाती है। खुद की बुरी आदतें खुद की वो परेशानियां जो इस जन्म की हो सकती हैं जन्मों जन्मों के पाप कर्म की वजह से हो सकती हैं उनसे इंसान अगर बचना चाहे तो यह जरूरी है कि वो अपने आत्मविश्वास को बुलंद करे। विल पावर आत्मविश्वास अगर आपके अंदर है तो आप अपने अंदर की तमाम परेशानियों को तमाम बुरी आदतों को पल में दूर कर सकते हैं। पर यह विल पावर यह आत्मविश्वास सबसे जल्दी अगर बढ़ता है तो एकमात्र उपाय सुमरण है भक्ति इबादत है। जब आप सुमरण करेंगे तो आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी तो आप अपनी बुराइयों पर जीत हासिल कर सकते हैं। कोई आपको बुरा कहता है आपको गाली देता है सहन शक्ति बढ़ने से ही आप पे असर नहीं होगा वरना तो यूं लगता है जैसे नंगी तारों को छू लिया हो। जरा सा किसी बात किसी को कोई बात कह दो वो तमतम आ जाता है गुस्से में बुरा हाल हो जाता है क्योंकि आत्मविश्वास आज किसी के अंदर है ही नहीं है सिर्फ उनके अंदर जिनको अपने सदगुरु मौला पे दृढ़ विश्वास है सुमरण करते हैं मां बाप के अच्छे संस्कार हैं तो उनके अंदर ये भावना रहती है कि वो अपने सदगुरु मौला के हुक्मानुसार अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करते हुए सबका भला मांगते रहते हैं। जब आप सबका भला मांगते हैं तो मालिक आपका भला जरूर करते हैं क्योंकि जैसी आपकी भावना है वैसा फल आपको मिलेगा। राम झुरो के बैठ के सबका मुजरा ले जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे कि वो राम अपनी आंखों से देख रहा है हर जगह हर पल हर समय हर किसी को वो देखता है। क्या कर रहे हो आप क्या सोच रहे हो आप क्या प्लानिंग है आपकी उसको सब मालूम है हर पल हर समय वो ख्याल रखता है। तो आपकी जैसी भावना अगर आपकी बुराई की भावना है तो आपके बुरे कर्मों का फल उठाना पड़ेगा अच्छे कर्म की भावना है तो आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा जरूर बन जाएगा। सेवा सुमरण परमार्थ करते हो तो मालिक की दया में रहमत के काबिल आप जरूर बन जाएंगे। तो ये आप पे निर्भर करता है आपकी भावना जैसी जिसकी भावना। ये थोड़ा ही है कि आप गंदगी मांग रहे हैं मालिक गंदगी बख्शेगा नहीं नहीं आपकी अगर गंदी भावना है तो आपको आने वाले टाइम में पाप कर्म का बोझ उठाना पड़ेगा। भावना से मतलब जैसी सोच है जैसे थॉट्स विचार हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलना ही मिलना है। इसलिए अपनी भावना को शुद्ध रखो अपनी श्रद्धा विश्वास को मालिक के प्रति बना के रखो ताकि उसकी दया में रहमत के आप काबिल बन सकें तमाम वो खुशियां हासिल कर सकें जो आपके लिए मालिक ने रख रखी हैं जिसके आप काबिल हैं या नाकाबिल हैं वो तमाम खुशियां मालिक आपको बख्श देगा। तो इसलिए भाई वचनों पे अमल करो
वचनों पे जो अमल करता है मालिक उसी पे दया में रहमत किया करते हैं। सो वचन सुनो, अमल करो, ताकि दोनों जहां की खुशियां आपकी झोलियों में आ सकें, तमाम गम चिंता परेशानियां दूर हो जाएं और आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। जैसे बरसात पड़ती है, ठंडी हवा चलती है, इस गर्मी के मौसम में एक बड़ी राहत मिलती है, बड़ी खुशी आती है, मनमयूर नाच उठते हैं। तो इसी तरह आपका जिंदगी हमेशा बहार बनी रहे, उसके लिए जरूरी है आप सुमरण करें। अंदर के जो जैसे जमींदार हैं, अब कपास नरमा जो भी फसल बोते हैं, जैसे उसमें घास फूस आता है, अगर सही समय पे संभालते रहो तो वो फसल मजबूत होती है, क्योंकि घास फूस अगर थोड़ा बड़ा होगा तो वो पावर धरती की खींच लेगा। जैसे जैसे थोड़ा सा भी घास फूस हो, साथ के साथ निकालते रहो तो वो धरती की सारी पावर फसल ले लेती है और फसल बहुत जबरदस्त होती है। कई आलसी होते हैं, आज नहीं कल नहीं परसों, इतनी बड़ी बड़ी फसल बेचारी दिखती नहीं, घास बड़ा हो जाता है तो कहां से फसल होगी। कहने का मतलब काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया रूपी घास आपके अंदर बढ़ता रहता है, सुमरण आप करते नहीं। जब कोई चोट पड़ती है तब सुमरण करते हो, तब तक आत्मा कमला जाती है, व्याकुल हो जाती है। समय अनुसार रोजाना फसल को देखने वाले जो होते हैं भाई, उनकी फसलें हमेशा कामयाब होती हैं, क्योंकि उनको निगाह में होता कौन सा पौधा सड़ रहा है, कहां क्या बदलाव आ रहा है, कहां सुंडी पड़ी या नहीं पड़ी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे जो रोजाना सुमरण करते हैं, रोजाना भक्ति करते हैं, उनकी ही आत्मा का भला इस कलयुग में प्रत्यक्ष में वो देख सकते हैं कि हाँ देखो मेरी आत्मा का ये भला हुआ, ये मेरे पे रहमो करम हुआ, मेरे मालिक ऐसे दर्शन देंगे। जो अहंकार में, जो काम वासना में, जो बुराइयों में हमेशा डूबे रहते हैं, वचन मानते नहीं, ना उनका खुद का अंदर का कभी उद्धार होता है, ना ही परिवारों का उद्धार हो पाता है। तो अपने अंदर की बुराइयों को निकालो, अहंकार में ना घूमो सारा टाइम, वो सब जानता है, पल पल की खबर है उसे, लेकिन वो देखता है अब जागे नहीं जागोगे तो फिर ऐसे जागोगे सोओगे नहीं। सो बुरे कर्म ना करो, क्योंकि बुरे कर्मों का फल एक दिन आपको भोगना पड़ेगा, फिर आप चिल्लाओगे, फिर आप रोओगे, फिर बनेगा कुछ नहीं। हंस देने खिलखिल जेड़े रो बनगे यार कर लो, जो आज हंसी आ रही है ना, बुरे कर्म कर करके भी हंसी आ रही है, ढीठ बने बैठे हो, ऐसा टाइम आएगा रोना तो दूर, हंसना भी भूल जाओगे और रोना भी याद नहीं रहेगा। सो कहने का मतलब बुरे कर्म करके आदमी को पश्चाताप होना चाहिए कि मैं इसको छोड़ूंगा, और छोड़ देना चाहिए, ना कि ढीठ बन के अमल करते रहना चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं कुछ नहीं होता। क्यों इंतजार करते हो कि कुछ हो तब छोड़ोगे, जब कुछ हो गया फिर छोड़ो, ना छोड़ो फिर चिल्लाओगे तो अच्छा है। कुछ होने से पहले आपको भुगतना पड़े उससे पहले पहले बुरे कर्म करने छोड़ दो, सुमरण करो, ताकि जो कर चुके बुरे कर्म हैं वो आपके खत्म हो जाएं। तो प्यारी सत्संग जियो, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से और सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बात करना चाहते, बोलिए भाई जल्दी से बात कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। पिताजी मैं आपका बेटा गोर्धनदास इंसा भिंडा बोल रहा हूँ जी। जी पिताजी, ऑस्ट्रेलिया सात संगत और भिंडा सात संगत का नारा कबूल करो जी। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी सारा परिवार यहाँ पे, हम भी 3 महीनों के यहाँ पे आए हुए थे पिताजी, बच्चों को मिलने के लिए, परिवार सारा बैठा है जी। आपसे यही बेनती है कि सारे परिवार की आपसे सेवा सिमरन करते हुए ओढ़नी बजाए जी। जी बेटा वचनों पे रहो, सुमरण करो बेटा, मालिक रहमत करने वाले हैं। पिताजी बेटी पूजा और प्रियंका आपसे बात करना चाहती है जी। जी आनंद सतगुरु तेरे आशा। पिताजी आप जी की बेटी प्रियंका इंसा एक स्टूडेंट बोल रही हूँ जी। जी बेटा पिताजी आप जी कदम कदम पे करिश्मे दिखाते रहते हो जी, पिताजी बिना मांगे सब कुछ देते रहते हो जी। पिताजी मुझे यहाँ पे आए अभी 3 मंथ्स भी नहीं हुए, मेरी 1 वीक के अंदर ही पीआर आ गई थी आप जी की रहमत से। और पिति लोगों को यहाँ पे आने के बाद देखा कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पिति आप जी ने मुझे बिना मांगे बिना कुछ
यही पिताजी प्यार दे दी थी। पिताजी बहुत बहुत थैंक यू पिताजी। जी बेटा बिल्कुल, मालिक की रहमत है बेटा, वरना बहुत टाइम लगता, स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को। सही है। हाँ जी पिताजी। और पिताजी मेरे हस्बैंड पवन इंसा जी की भी प्यार आ गई है जी पिताजी आपजी की दया में रहमत से। पिताजी ये भी यहाँ के एक स्टूडेंट है। और पिताजी मेरी जो मैरिज हुई थी पिताजी रूबरू प्रोग्राम के थ्रू ही हुई थी। पिताजी मैं आपसे बस यही अरदास करती थी कि पिताजी मुझे सत्संगी फैमिली देना, पिताजी बोलने की हिम्मत दो जी। जी बेटा। पिताजी बस आपसे यही अरदास करती थी कि मुझे सत्संगी फैमिली देना। पिताजी आप जी की दया मेरे में से बहुत अच्छी फैमिली है और बहुत अच्छे हस्बैंड है पिताजी। जी बेटा। बहुत खुश हूँ आप जी की दया मेरे में से। पिताजी कई बार वो हॉस्टल के दिन याद आते हैं जब आपके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते थे। जी हिम्मत दो जी। जी बेटा। दीदी आप ऑस्ट्रेलिया में भी चरण जी का उचित थी, यहाँ पे जब आओ हमारे घर पे ही आना। हाँ जी बेटा, जब मालिक ने चाह देखेंगे बेटा। दीदी यहीं पे आना पीछे शासनाम जी नगर में फ्लैट है, वहाँ पे नेक्स्ट ईयर आपकी टर्न है वहाँ पे आने की। दीदी आप जी ने मुझे तो यहाँ पे भेज दिया, दीदी अब आपको यहीं पे आना पड़ेगा बेटा। जरूर देखेंगे। दीदी एक मिनट भाभी से भी बात कर लो। जी जी। पिता धन धन सत्तु तेरा यात्रा। जी पिताजी, मम्मी पापा यहाँ पर आए हुए हैं, मम्मी पापा इस वीक वापिस जा रहे हैं। पिताजी उनके हाथ आपके लिए एक मैसेज भेजूंगी, प्लीज उसका जवाब जरूर भेजना। जी बेटा। और पिताजी पीआर की फाइल लगाए हुए एक साल हो गया, पिताजी मेयर करो, सुमन करो बेटा, लगातार मालिक से दुआ करेंगे, सुमन करो, पैरवाई करो बेटा। और पिताजी प्रसाद रखा है, हलवा बनाया और ड्राई फ्रूट और पिनिया रखी है प्लीज पिताजी। जी बेटा, मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद बन गया बेटा, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और पिताजी आज ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा हुआ है एडिलेड में, तो हमने अभी जाना है वहाँ पे, उसके लिए भी मेयर करो पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद। और पिताजी बेटा कल रात से पेंसिल्स लेके बैठा है, पिताजी उसको प्लीज आशीर्वाद दीजिए। जी सबको आशीर्वाद बेटा। पिताजी इंजीनियर बनना चाहता है बड़ा होके, प्लीज उसको इसके लिए आशीर्वाद दीजिए। हाँ लगन से पढ़े बेटा, मेहनत करे, मालिक से दुआ करेंगे। थैंक यू पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद। बात कर लीजिए एक मिनट पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा याद। धन धन सतगुरु पिताजी। जी धन सतगुरु तेरा याद सा पिताजी। पिताजी साढ़े परिवार से थोड़ी बहुत मेहर है, अभी चाहते कि साड़ी ऐसे तरह ही मेहर बनी रहे। इस तो बाद मैं थोड़ा ज्यादा समा नहीं लेंदा हो, बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हाँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी मैं गुरप्रीत सिंह सिडनी ऑस्ट्रेलिया तो पिता जी, सब तो पहले आप जी के चरणा च नमस्कार पिता जी। जी बेटा। उस तो बाद आप जी के चरणा च बेनती है कि मेरी वड्डी भैन की शादी नूं 4 साल का समा बीत चुका है, पर उन्हां दे घर ज्यादातर लड़ाई झगड़ा कलेश ही रहिंदा है, क्योंकि उन्हां दा परिवार नाम शब्द तो बेमुख है, जिस दा मुख कारण शराब है। जी मेरी आप जी दे चरणा च बेनती है कि उन्हां दे परिवार नूं मालक दे नाम नाल जोड़न दी कृपा करो जी, अते उन्हां नूं आपसी प्यार बख्शो जी। जी बेटा, करे तुहाडी भैन नूं को खाना नाम जप के बनाया करन, किसी नूं कुछ ना कहन, सिमरन करन, मालक अगे दुआ करन कि मालका घरों लड़ाई झगड़ा खत्म होवे, सब लोग परमात्मा दे नाम नाल जुड़न, तां जरूर मालक दी रहमत हुंदी है। लगातार 3-4 महीने जो कुछ भी घरे बनदा है वह सारा सिमरन करके बनाया कर। अगे पिता जी हुण आस्ट्रेलिया आए नूं काफी समा बीत चुका है, हुण मैं थक चुका हां पिता जी, जल्दी तो जल्दी कोई रस्ता दिखाण दी कृपा करो जी। सिमरन करो बेटा। सतवचन जी, अते अंत विच पिता जी कहना चाहांगा कि पिता जी आप जी दी दया मेर रहमत है, पिता बेनती है कि अगे भी अपना मेरे भरिया हाथ सिर ते बनाई रखना जी। पिता जी बच्चे दे छोटे मोटे उगन देख के दास नूं चरना तो दूर ना करना जी। पिता जी जे एक बारी ला ही दिता है तां पिता जी मैं आप तो पल पल सिमरन दी दात मंगदा हां। पिता जी
मस्त होना चाहता हाँ, तरस चुका हाँ पिता जी, दर्शन देने शुरू करो जी। बजरा दे बके रहो बेटा, लगातार सिमरन करते रहो, मेहनत करो, मालिक जरूर रहमत करता है। टेंशन ना लो, आदमी नु थकना तो कदे चाहिए ही नहीं, अच्छे ने कम्मा लई हमेशा अगे वधदे रहो, सो मालिक जरूर रहमत करता है। अते अंत विच पिता जी, जाने अनजाने च कीतियां गलतियां दी माफी, पिता जी जे कोई बोलन लगे गलती हो गई होवे तां अनजान बच्चा समझ के माफ करना जी, अते असती दे चरणा च फिर वरी नमस्कार जी। जी बेटा सिमरन करते रहो, और कोई अनजाने च गलती हुई है नारा लाते बेटा, सिमरन करो, बचना ते रहो, मालिक खुशियां देने वाला है। जी आशीर्वाद। राजप्रीत कौर सैक्रामेंटो यूएसए से लाइव में से प्यारे पिताजी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, रहमत करना, बादाम है जी प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद बन के सब लोग ले लेना, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यू दीजिए, मालिक से दुआ करेंगे, करने वाला मालिक के आशीर्वाद। शास्त्रम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेने वाले दो भाई दस बहने अपनी जगह पे खड़े होके जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। प्रसाद ले लेना बेटा, खाने के लिए प्रसाद ले लें, आशीर्वाद। घर जाना है सात आठ दिन वाले सेवादार भाई बहन, तो आपको मालिक सेवा सिमर सत्संग का फल बढ़ चढ़ के दे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आया नु शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है, सज रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े से समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपने अपनी जगह पर बैठे रहें जी।